हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, अभी हम झाझा के सुंदर से पहाड़ पे हैं। देख सकते हैं ये झाझा का पहाड़। और अब हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो काफ़ी दूर से आए हैं और वाकई में बहुत ज़्यादा पैसे कमा के आए हैं। गाइस, देख लीजिए, देखिए कितना नोट कमा के आए हैं। ये मेरा टकलू दोस्त है। कितना है आपके पास पैसे? कितना पैसे बोले? देख नहीं रहे कितना है। देख गाइस, काफी पैसे कमा के आए हैं ये। चलिए आज इनसे कुछ खर्च करवाते हैं। पहली बार इनसे खर्च करवाने वाले कमा के आए हैं, लेकिन खर्च 1 रुपए नहीं किए हैं अभी तक। तो आज इनसे कुछ पैसे खर्च करवाएंगे। गाइस, व्लॉग का मजा लीजिए, ठीक है? व्लॉग में आपको बहुत एक से एक चीज दिखाने वाला हूँ। देखिए मेरा दोस्त कहाँ पे गया हुआ है, अभी शायद वहाँ पे कुछ मरा हुआ है। क्या मरा हुआ है गैस? वहाँ पे बकरी एक मरा हुआ है, बहुत बदबू दे रहा गैस। वहाँ पे एक बकरी मरी हुई है, तो वही वो गया है देखने कि कैसे है वो। मैं नहीं जा सकता गैस, मुझे वो सब का बदबू बर्दाश्त नहीं होगा। गाइस देखिए, यह है संत जोसेफ स्कूल जो जंगलों के बीच में है। झाझा के इस बड़े से जंगल के बीच में ये संत जोसेफ स्कूल है। और यह है झाझा का खूबसूरत सा पहाड़। तो वीडियो पे बने रहिए, ठीक है? एक से एक सीन आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब आगे। चलो चलते हैं। देखिए गाइस, ये आपको दिख रहा है, ये कनौला एक पौधा होता है, कनौला एक फूल होता है, ये सॉरी फल होता है, वही हो रहा है। तो इसका देखिए, ये फूल इस टाइप से फूल लग रहा है इसमें भी, ठीक है? काफ़ी सुंदर टेस्ट है इसका। तो चलिए चलते हैं अब अपने घर की ओर। क्या बकरी मरा हुआ है? गाइस बहुत खराब महक रहा है, लगता है 2 दिन से वो वहाँ पे फेंका हुआ। और गाइस देखिए, यहाँ पे कुछ लोग पार्टी भी करते हैं। यहाँ पे देखिए चूल्हा बनाया गया है, मतलब यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं, पार्टी करते हैं। और गाइस वो रोड जो देख रहे हैं वो है झाझा से भागलपुर बांका जाने वाला रोड। काफ़ी लोग वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है धन्यवाद पुनः पधारे। भागलपुर 110 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। चलिए चलते हैं घर की ओर। नीम का क्या फायदा बोलो? नीम का यही है कि नीम का पत्ता मिलेगा तो ना बोलो। पत्ता नहीं मिलेगा तो जानकारी नहीं देगा, बोल ना। नीम का पत्ता यह है, उससे बीमारी नहीं होता है। प्लस में जो पेट के अंदर में आपका जो भी पाचन रहता है या पाचन तंत्र जो भी रहता है शरीर में, जैसे कि आपको नीम का पत्ता खाइएगा, नीम का पत्ता खाने के लिए आपको एक लाल जैसा आता है, बहुत लाल रहता है, लाल लाल रहता है, उसको ऐसे ही खाने का है। जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं, झानमूली या दादा उना खाते हैं, तोड़िए मुँह में लीजिए, उसको तीखा लगेगा, तीखा रहता है, बहुत तीखा रहता है, मगर खाने से फ़ायदा है यही कि आपका वो घाव घोस नहीं होता है, बीमार नहीं पड़िएगा। प्लस में जो पेट के अंदर जो कीड़ा जो भी पाचन तंत्र में जो भी आपका खून जो रहता है, खून साफ कर देता है, खून साफ कर देता है। और दांत जो मूल होते हैं, जिससे कि अंदर का जो कीटाणु होता है, मांस जो रहता है, दांत का जो मसूरा जो रहता है, उससे आपका हेल्दी रहता है, दांत हेल्दी रहता है, स्वादिष्ट रहता है। कुछ भी आप लोग ठंडा या मीठा खाने से जोर से झनका झनकन आते हैं, उस कारण से आप लोग वो झनकाइएगा नहीं, नहीं होता है। और चेचक से भी जैसा चेचक होता है गर्मी में, वो भी नहीं। चलते चलते एक पहाड़ों के बीच काफ़ी सुंदर सा पोखर दिखा है और काफ़ी यहाँ पानी भरा हुआ है, मतलब है तो गहरा। और देखिए गैस, वहाँ पे एक मोर है, देखिए आपको दिखा होगा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, देखिए एक मोर वहाँ पे जा रहा है। और मेरा दोस्त है, वो
नीम का पत्ता ढूंढ रहा है, उसको जरूरत है नीम का पत्ता का। मिला, चल ऊपर देखते उधर उधर, या उधर से निकलते हैं जहाँ से हम लोग। लकड़ी सब चुन के रखा हुआ है, जो चुनता है वो। गांव वाला लोग तो लकड़ी से ही खाना बनाता है ना। देखना जल्दी से पत्ता उत्ता लेके निकल, अंधेरा हो रहा है। अबे डर नहीं रहे, डर नहीं रहे फिर भी, लेकिन इतना मतलब जंगल के बीच में रात ज्यादा देर तो रुकना नहीं चाहिए। अरे पहले रुक जाते थे पहले, अब लेकिन पहला वाला बात में ना जिम्मेदारी आ गई है। सो गाइस, काफी डेंजर पक्षी था, अभी सामने से यहाँ से निकला। अभी जानता है यार, गजब का पक्षी था, लगता है इंतजार कर रहा था ये लोग आएगा अटैक करेंगे। देख वहाँ पे पिकनिक मनाया जाता है और यहाँ पे प्लेट फेंका हुआ है खा पी के। रास्ता पता है अभी? हाँ पहले हम आते थे लेकिन याद नहीं आ रहा। सही जा रहे हैं ना हम लोग? अरे तुम नहीं भूलता, हम भूल जाते। चलो चलना खोजते। गाइस काफ़ी देर से नीम का पत्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, लेकिन हम लोग खोजने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो चलिए देख रहे हैं कहाँ पे मिलता है। देख नीचे ध्यान दे, हो सकता है मिल जाए। गाइस और हम आपको सांप का घर किस टाइप से होता है आप जानते हैं? बहुत कम लोग जानते होंगे सांप लोग का घर कैसा होता है, तो चलिए हम आपको दिखाने वाले हैं सांप लोग का घर कैसा होता है। तो गाइस देख के थोड़ा डर भी लग रहा है कि सांप तो यहाँ वाकई नहीं ना, क्योंकि इतना पत्ता है, पत्ता के बीच में हमको जाना पड़ेगा। फिर भी चलिए वीडियो बनाने के लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं सांप लोग का घर किस तरह से दिखता है। कुछ नज़दीक जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन फिर भी चलते हैं थोड़ा अलर्ट होके, क्योंकि आपको दिखाना हमको कि सांप लोग का घर कैसा होता है। गाइस देखिए, सो गाइस देखिए सांप लोग का घर इस तरह होता है। देखिए मिट्टी का आप देख रहे होंगे ये छेदा रहता है, देखिए वहाँ पे भी एक होल दिख रहा छोटा सा। को हम जूम करके दिखाते हैं गाइस, डर बहुत लग रहा है। देखिए ये सांप लोग का घर है, देखिए ये छोटा सा होल दिख रहा, ये सब में सांप घुस के रहते हैं। देखिए एक उस साइड भी है आपको, चलिए चल के थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, लेकिन वीडियो पे आप लोग बने रहिए, ठीक है, कि जितना ज़्यादा बड़ा होल उतना बड़ा अंदर में सांप रहता है। देखिए गाइस वहाँ पे आपको होल दिख रहा है बहुत बड़ा, उसमें उतना बड़ा सांप होगा और अभी भी होगा गाइस, हम लोग को पता नहीं चल रहा है। और गाइस यहाँ भी देखिए बहुत बड़ा होल है, काफ़ी बड़ा होल है गाइस, देखिए होगा गाइस 100% सांप होगा ही यहाँ पर, एकदम सांप होगा गाइस। गर्मी का दिन आ गया, सांप लोग रहेंगे यहाँ। मिला है अभी नीम का पत्ता, उसको नीम का पत्ता नहीं दिख रहा,
चलिए गैस, आपको सांप का घर दिखाना था। गैस आपको सांप का घर हम दिखा दिए हैं और अब जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। वाकई काफी डर गए थे। यहाँ देखिए एक डंडा निकला हुआ, वो मेरे हाथ में सट गया। बोला कि कहीं वो तो दसने वाला तो नहीं ना। चलिए अब निकलते हम लोग, काफी शाम हो रहा है। तो गाइस देखिए आप, सांप का किस कैसे घर कैसा होता है, सांप लोग किस टाइप से रहते हैं, ठीक है। वो जो आप दिखाएं अभी, वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग अपना मतलब सपने से पूरा शरीर को अंदर कर लेते हैं और जो अपना ये गर्दन का जो मुंह है वो बाहर रखते हैं, वो हवा पीते हैं गाइस, ठीक है। सांप लोग हवा पीता है। ए, ए मिला ए भी नीम का पत्ता। गैस इसको नीम का पत्ता नहीं मिल रहा है। चलिए इसके लिए नीम का पत्ता अब हम ही ढूंढते हैं। और सुन ना, उधर चल, उधर मिल जाएगा, उस साइड चल। गैस चलते हैं ए भी के लिए नीम का पत्ता ढूंढने। अपना जलाता था ना? हाँ यहीं पे तो जलाता था, चूल्हा अभी तक बना हुआ है। गैस देखिए ये कुआं है, अब काफी झापा आ गया, भर गया, पहले बहुत गड्ढा था। चलिए चलते हैं। ए भी जगह याद है? गैस देखिए इस जगह पे हम लोग ठंड का दिन में 8 बजे रात तक यहाँ पे रहते थे और आग तापते रहते थे। ये चूल्हा जो आपको दिख रहा है, जलान जलान माचिस ने। चलो रात भी हो रहा है, गैस निकलते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा दिखाते रहूँगा और इससे भी अच्छा कोशिश करूँगा कि इससे अच्छा वीडियो लाऊं, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट आएगा तो मेरा भी क्वालिटी थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ दिक्कत हो वीडियो में तो कमेंट करिए, उसको हम सुधारेंगे। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा और चैनल पे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम और ए भी दोनों मिलके बोलते हैं वीडियो को लाइक करने और सब्सक्राइब करने, तब आप कीजिएगा। ए भी कौन, मैं ऑडियंस को बोलना वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना जल्दी हो सके आप दूसरे के शेयर भी कर सकते हैं, फैला भी सकते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को फैलाइए फैलाइए। हाँ गाइस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरों को पता चलेगा कि कैसा कंटेंट आ रहा है। इतना कष्ट से आप लोग को, इतना मेहनत से आप लोग इतना अच्छा अच्छा वीडियो बनाते हैं, जंगल में सुनसान जगह पे हम लोग आके वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम लोग नहीं कर सकते, आप लोग का सही सपोर्ट चाहिए। तो मेरे चैनल को देख रहे हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए पेज को। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।